सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी विद सुधीर और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज ट्रिक क्लास है, उनकी बात करेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं। तो चलिए, आज दो ट्रिक है आपके सामने। जो पहले जो ट्रिक है वो है जहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उन राज्यों की। और जो दूसरी जो ट्रिक होगी हमारी वो है लोकसभा की। लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें किन चार राज्यों की हैं, उनकी जो ट्रिक है वो आपके सामने अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, पहली जो ट्रिक है वो है कर्क रेखा के राज्यों से गुजरती है। छत पर जा गब्बर मामी, छत पर जा गब्बर मामी, मतलब छह से होता है छत। छत पर आते हैं, छह का मतलब है छत्तीसगढ़, तय का हमने त्रिपुरा के लिए लिया गया। त्रिपुरा पर खाली, पर मतलब पर ही, जा झारखंड, ग गुजरात, ब गब्बर का मतलब गैस के गुजरात आता है, ब आता है पश्चिम बंगाल के अंदर, बंगाल जिसको बोलते हैं, र राजस्थान, मामी मा मैं से है मध्य प्रदेश और मी से है मिजोरम। ये पहली है जहां से कर्क रेखा हमारी गुजरती है उसके। अगली है, अगली जो ट्रिक आती है उमा कब गई, उमा पब पब गई, पब यहां पे क्या आता पर मैंने इसको ट्रिक बनाने दी हमने पब गई, उमा पब गई मतलब छोटा बच्चा जैसे बोलता है। ये है लोकसभा की जो सीटें हैं उनके अकॉर्डिंग, लोकसभा की जो सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। उसे उत्तर प्रदेश है जिसके अंदर 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर है। मैं मां से है महाराष्ट्र जिसके अंदर 48 सीटें हैं महाराष्ट्र। पैसे है पश्चिम बंगाल और जिसके अंदर 42 सीटें हैं। और वैसे है बिहार, मतलब जिस इस बिहार के अंदर 40 सीटें हैं। और ये हमारी ट्रिक क्लास थी, आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। ये ट्रिक क्लास हम इसलिए डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार इस तरह के जो क्वेश्चनों पूछ लेता है और हम रह जाते हैं कि दूसरे नंबर के बताएं किसके अंदर सीट सबसे ज़्यादा। तो ये ऐसे मैंने ट्रिक लेके आ रहा हूँ और आपको आसानी से समझ आया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।